छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी की कोठी तोड़ने के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। उन्होंने कार्रवाई को लेकर सरकार की निंदा की है। इधर ओवैसी के बयान का भाजपा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर हुए बुलडोजर एक्शन पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की निंदा की है। उन्होंने सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि गरीबों का घर तोड़ने वाली सरकार को जनता वोट के जरिए बेदखल करेगी। उन्होंने कहा सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ मोब के जरिए नहीं। ओवैसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह से ओवैसी और कांग्रेस पार्टी सभी अपराधियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं, उससे यह प्रमाणित हो गया है कि यह तुष्टीकरण गठबंधन है जो अपराधियों का साथ देने से भी पीछे नहीं हटता। यह तुष्टीकरण वाले नेता बंगाल में जब एक बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है तब चुप्पी साध लेते हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए गठबंधन करके अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। छतरपुर के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी सभी अपराधियों के पक्ष में खड़े हो गए, प्रमाणित हो गया है ये तुष्टीकरण गठबंधन है जो अपराधियों का साथ देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये तुष्टीकरण वाले नेता बंगाल में जब एक बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है तब चुप्पी साध लेते हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए गठबंधन करके अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।